नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य मित्र अर्थात हेल्थ बड़ी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का उद्देश्य है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना और दवाइयों का खर्चा घटाना। आज का विषय है इम्यूनिटी यानी व्याधिक क्षमत्व। बीमारियों के चलते हुए हम इम्यूनिटी शब्द को इतना ज्यादा सुन रहे हैं। इम्यूनिटी को लेकर कई तरह की धारणाएं प्रचलित हो गई हैं, तो हमने सोचा कि हम आपको आज के वीडियो में इम्यूनिटी के आयुर्वेदिक दृष्टिकोण को बताते हैं। क्या होता है कि एलोपैथी से संबंधित दृष्टिकोण तो आपको सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल पे काफी सुनने और देखने को मिला है कि भाई शरीर में कोई वायरस आ जाता है या कोई भी और बाहरी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं तो हमारे WBC जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं वो लड़ने के लिए हमारा एक सिस्टम तैयार करती हैं आदि आदि। पर आयुर्वेदिक दृष्टि से जो हजारों साल पहले इम्यूनिटी को कैसे माना जाता था और कैसे इसको बढ़ा सकते हैं ये बताया गया है, उस पर हम बात करेंगे। विषय पर आगे जाने के पहले हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं कि पिछले कुछ समय में YouTube द्वारा एक मेंबरशिप बटन हमारे चैनल को दिया गया है और उसके अंतर्गत YouTube एक सुविधा देता है दर्शकों को, क्योंकि बहुत से दर्शक कहते हैं कि हमें आपके वीडियो अच्छे लगते हैं और हम आपसे कंसल्टेशन लेना चाहें तो आपको कैसे सहयोग कर सकते हैं आदि आदि। तो ये जो सदस्यता अभियान होता है, जो आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं उसके अतिरिक्त एक ज्वाइन बटन रहता है हमारे चैनल के पेज पे, वो ज्वाइन बटन के माध्यम से आप मासिक सदस्यता ले सकते हैं। उसमें हर महीने जो सब्सक्राइबर है या दर्शक है वो हमें कुछ सहायता जो भेजते हैं उस सहायता के बदले में या एवज में हम कुछ विशेष सुविधाएं उन दर्शकों को देते हैं। उसमें 3 लेवल हैं, तो उसमें हम लाइव सेशंस भी महीने में एक बार करेंगे जिसमें आप आमने सामने कनेक्ट होकर लाइव सेशन में हमसे उसी समय कुछ सवाल आपके स्वास्थ्य संबंधित पूछ सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन जो आयुर्वेदा क्लासेस है हमारी, उसमें आपको डिस्काउंट भी सदस्यता, यदि आप आर्थिक रूप से सदस्यता लेते हैं तो वो आपको मिलता है। एक प्रश्न और भी जो हमने पोस्ट में भी इसका आंसर किया था कि यदि कोई व्यक्ति मासिक रूप से कोई सदस्यता ना लेना चाहे और हमारे चैनल को सहयोग देना चाहे एक बार में कुछ राशि के रूप में, तो उसके लिए एक दूसरा जो विधान हमने स्वयं रखा है वो है पेपल की लिंक। तो ये पेपल लिंक आपको हमारे चैनल के अबाउट पेज पर भी मिलेगी और इस वीडियो के विवरण में भी हम पेपल लिंक देंगे। जो भी एक बार में आप सहयोग करते हैं तो वो हमें सीधे मिल जाएगा, और जो सदस्यता अभियान है वो मासिक है तो वो YouTube के पास पहले जाता है और फिर YouTube के माध्यम से मिलता है। जैसा कि मैंने पोस्ट में भी कहा था कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो स्वैच्छिक रूप से हमें सहयोग करना चाहते हैं आर्थिक। जो सदस्य हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए हमारी सेवाएं जैसी पहली थी वैसे ही हमेशा रहेंगी, क्योंकि आपका वीडियो देखना भी अपने आप में हमारे लिए किसी सहयोग से कम नहीं है। तो चलिए विषय पर हम प्रारंभ करते हैं। जो इम्यूनिटी है उसका कंसेप्ट एक विस्तृत रूप से देखें तो 3 चीजों को मिला के आपकी इम्यूनिटी बनेगी। एक आपका शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा आपका मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा आपके आसपास का वातावरण। तो ये 3 चीजें जैसी होती है उसी आधार पर इम्यूनिटी आपकी बनेगी। तो अब शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो आयुर्वेद में कहा गया है कि जो हमारी 7 धातुएं हैं, 7 धातुएं कौन सी है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये जो 7 धातुएं हैं जिन्हें टिश्यूज कह सकते हैं, वाइटल टिश्यूज कह सकते हैं अंग्रेजी में, ये 7 धातुएं बनती है हमारे आहार रस से। जब हम भोजन करते हैं और वो भोजन जब पचता है सही तरीके से तो उसका जो न्यूट्रिटिव पार्ट है वो आहार रस के रूप में, और वो जो आहार रस है वो आगे से आगे एक धातु से दूसरी धातु में पोषण करता है, और ये पोषण करने में उनको सहयोग करती है 7 प्रकार की धातु अग्नि, जो आयुर्वेद का यूनिक कंसेप्ट है। आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियां बताई गई है, उस पर भी हम अग्नि के ऊपर एक पूरा अलग वीडियो बताएंगे, उसमें 13 प्रकार की अग्नियों पर बात करेंगे।
लेकिन आप अभी ये जाने कि सात अग्नियां जो धातुओं से संबंधित है, वो जैसे रसाग्नि होगी तो रस धातु को बनाने में सहयोग करेगी, इस तरह से अलग अलग धातुएं जो आहार रस से बनती है, यानी सामान्य भाषा में कहें तो आहार रस से हमारे शरीर का पोषण होता है। पोषण होके क्या बनेगा, तो हमारा शरीर की जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, वो सबको पोषण कहाँ से मिल रहा है, आहार रस से, वो बनती भी आहार रस से ही है। तो इस प्रकार के सात धातुएं जो बनती है आहार रस से, और इन सात धातुओं का जो सार है, सार मतलब एसेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, पर हिंदी में सार शब्द कहेंगे, तो इन सातों धातुओं का जो सार है वो कहते हैं ओज। ओज मतलब आयुर्वेद के हिसाब से आपकी इम्यूनिटी। तो जिसकी सातों धातुओं का पोषण अच्छा है तो उसका जो एसेंस होगा सातों धातुओं का वो क्या होगा, आपका ओज। और ओज को हम इम्यूनिटी से काफी हद तक कह सकते हैं कि ये इम्यूनिटी जो कहा जाता है तो दूसरे पैथियों में, वो आयुर्वेद में हम ओज को मान सकते हैं। तो ये जो ओज है ये तय करता है कि आपका शरीर कितना मजबूत है और आपका मन भी कितना मजबूत है, क्योंकि आयुर्वेद में स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक नहीं माना गया है, आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है मानसिक स्वास्थ्य भी। तो जो ये ओज होता है आपके शरीर में, तो आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हो। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों के चेहरे बहुत ही तेजस्वी होते हैं, क्योंकि उनका शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, लेते हैं अरे इसके चेहरे पे कितना ओज है। तो वो ओज और तेज है वो आपकी इम्यूनिटी, आपके शरीर की जो स्वास्थ्य को भी बताता है। पर सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का भी चेहरा आपको यदि स्वस्थ है तो एक चमक चेहरे पे रहेगी, वही आपका ओज है, वही आपकी इम्यूनिटी का मापदंड है। दूसरे अर्थों में देखें तो आप देखिए कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो इसका चेहरा कैसा मुरझा गया है, तो वो जो चेहरा मुरझाना है मतलब उसका ओज एकदम रहा ही नहीं है। तो जब व्यक्ति बीमार जैसा होता है या उसके शरीर में उतनी स्वास्थ्य में ताकत नहीं होती है तो उसको कहते हैं अरे चेहरा मुरझा गया। तो वो चेहरा मुरझाना मतलब वही ओज नहीं रहना। तो आपकी इम्यूनिटी मतलब आपका ओज, तो आपके जो ओज बना रहेगा शरीर में मतलब आपकी इम्यूनिटी बनी हुई है। तो यही आयुर्वेद का एक मूल दृष्टिकोण है इम्यूनिटी को लेकर। अब रोगों से लड़ने की बात करें तो इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं हिंदी में इम्यूनिटी को। तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो आपके शरीर की धातुओं के पोषण से संबंधित है, उसके लिए आवश्यक चीजें क्या क्या हो सकती हैं? तो आवश्यक चीजें, पहली तो आपकी जठराग्नि बहुत मजबूत होनी चाहिए। यदि आपकी जठराग्नि मजबूत नहीं है तो आपका ओज कैसे बढ़ेगा, क्योंकि आपकी फिर धातुएं भी पोषित नहीं होंगी। दूसरा, शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय अच्छा होना चाहिए। तो जठराग्नि और चयापचय मिलते जुलते हैं पर एक नहीं है। जठराग्नि मतलब डाइजेस्टिव है, तो चयापचय मतलब टोटल मेटाबॉलिज्म जो आपके अलग अलग धातुओं को बनाने में काम आ रहा है। तो इसको हम धातुवाग्नि, जो सात प्रकार की धातुवाग्नि बताई है आयुर्वेद में, उससे कंपेयर कर सकते हैं कि भाई वो धातुवाग्नि सातों अच्छा काम कर रही, मतलब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो रहा है। और जो मेटाबॉलिज्म अच्छा हो रहा है तो आपका ओज भी अच्छा बनेगा, क्योंकि ओज क्या है, सातों धातुओं का सार है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु ओज को लेकर है वो है आपकी जीवन शैली। जैसे मान लो आपकी जठराग्नि भी अच्छी है, आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा है, लेकिन आपकी जीवन शैली संतुलित नहीं है, आपका आहार विहार सही नहीं है, तो आपके मेटाबॉलिज्म को बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसलिए जीवन शैली संतुलन होना चाहिए। और जीवन शैली में संतुलन किन चीजों का होना चाहिए, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, जो तीन आयुर्वेद के उप स्तंभ बताए गए हैं स्वास्थ्य के, इन तीनों का संतुलन हो। उसी प्रकार ऋतुचर्या के आधार पर आपकी जीवन शैली बदलती रहे, कि हर ऋतु के आधार पर आपकी थोड़ी बहुत जीवन शैली विशेषकर आहार निद्रा में बदलाव हो, तो वो भी आपके ओज को अच्छा रखेगा। शाब्दिक रूप से देखें तो ओज मतलब शरीर की जो आवश्यक ऊर्जा है वो है ओज। तो शरीर की आवश्यक ऊर्जा को हम कह सकते हैं कि शक्ति, जिसके शरीर में शक्ति है तो वो शक्ति मतलब ओज। तो ये जो शक्ति है सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक शारीरिक मिलकर ये शक्ति ओज बनती है। पहले ये जाने कि ये ओज शरीर में रहता कहाँ है। तो सातों धातुओं का सार होता है वो भौतिक रूप से नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये हमारे हृदय में स्थित होता है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। तो जिसका दिल मजबूत होता है उसकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। यहाँ दिल मजबूत है मतलब सिर्फ भौतिक रूप से नहीं, जिसका मन भी मजबूत है और शरीर भी मजबूत है, तो वो है ओजस्वी व्यक्ति। इसलिए इसी चीजों से ओज बढ़ता है।
तो ये माना गया है आयुर्वेद में कि जो प्राकृतिक चीजें आप खाते हैं, प्राकृतिक पदार्थ खाते हैं, पके हुए पदार्थ खाते हैं, शुद्ध पदार्थ जैसे खाते हैं, दूध घी ये खाते हैं, मतलब जिसे पोषक पदार्थ कहा गया है और सात्विक माना गया है, तो उन पदार्थों से ओज आपका बढ़ता है। कम कैसे होगा? यदि किन चीजों से बचें, तो बहुत ज्यादा क्रोध, बहुत ज्यादा भूखा रहना देर तक, बहुत चिंता करना, बहुत दुख पाल लेना किसी भी घटना का, और बहुत ज्यादा भौतिक मटेरियल वासना वाला जीवन, तो उससे भी आपका ओज नष्ट होता है। ओज नष्ट हुआ मतलब आपकी इम्यूनिटी नष्ट हुई। तो ये सामान्य चीजें हैं। हालांकि आयुर्वेद में बहुत सी जड़ी बूटियां बताई गई हैं जिसे रसायन द्रव्य कहा जाता है, जो ओज बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी होते हैं, लेकिन उन रसायन द्रव्यों पर हम विस्तार से एक अलग वीडियो में बात करेंगे। एक सामान्य रसायन जैसे त्रिफला है, त्रिफला आप रोज खा सकते हैं, हर ऋतु में खा सकते हैं। आप हमारे ऋतुचर्या वाली पूरी सीरीज देखेंगे, हर ऋतु के आधार पर क्या क्या खाना चाहिए, हर ऋतु का अलग वीडियो है, उसमें आपको त्रिफला कैसे खाना है ये बताया गया है। तो त्रिफला है, उसके अलावा च्यवनप्राश बहुत ही कॉमन है, तो च्यवनप्राश भी एक बहुत अच्छा रसायन है, विशेषकर जो ये अब सर्दियों का मौसम है, तो उसमें आप च्यवनप्राश का प्रयोग अवश्य करें। च्यवनप्राश घर पे आप बना सकते हैं, उसके लिए भी हमने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे विवरण में मिल जाएगा कि च्यवनप्राश को कैसे बना सकते हैं घर पर। अब यदि हम आगे बात करें कि चलिए आपने जीवन शैली में बदलाव कर लिया, आहार विहार भी संतुलित कर लिया, लेकिन आहार की गुणवत्ता आपने क्या रखी, ये भी देखना है कि आहार आपने ले लिया लेकिन आहार की गुणवत्ता क्या है। आप कितना कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा बोलते हैं आयुर्वेद में वो ले रहे हैं, कितना फैट यानी वसा ले रहे हैं, कितना प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन मतलब दालें दूध से बने पदार्थ इनसे मिलता है, सूखे मेवे आदि से भी प्रोटीन मिलता है, और कितने विटामिन और मिनरल, तो विटामिन और मिनरल मतलब फल और सब्जियां कितने खा रहे हैं, तो इन सबका संतुलन भी रखना है। और उसमें गुणवत्ता क्या है, यदि आप बटर खा रहे हैं लेकिन वो बटर बाहर में अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अच्छी कंपनी का भी नहीं है, तो आपको नुकसान करेगा। तो ये भी देखना है कि हम प्रोटीन समझ के जो बाजार की चीजें खाते हैं वो वास्तव में कितना गुणवत्ता वाली चीजें हैं। ऐसा तो नहीं कि प्रोटीन के नाम पे आप कुछ भूसा खा रहे हैं जिसमें कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। इसलिए हमेशा शुद्ध सामने बने हुए पदार्थ ही खाना या घर के बने हुए पदार्थ खाना उचित होता है, विशेषकर दाल है, घी है, दूध है, ये आप ले। अब हम बात करेंगे कि चलिए आपने ये सब संतुलन कर लिया, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन सूखे मेवे आदि का, तो देखिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए घरेलू मसाले हैं जैसे काली मिर्च, तुलसी, दालचीनी, ये सब भी एक तरह का काम करते हैं, क्योंकि ये सब हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं, हमारे दोषों को संतुलित करते हैं। तो घरेलू मसाले जितने भी हैं वो सब आपको प्रयोग भोजन के साथ करने चाहिए, उसमें हल्दी भी आ जाती है, तो ये भी इनडायरेक्टली इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ही मदद करते हैं। अदरक है, सबका आप प्रयोग करें, और काली मिर्च और दालचीनी का जो प्रयोग है वो हमने पहले ही अलग वीडियो में आपको बताया है, तो वो भी आप अवश्य देखें चाहे तो। एक और चीज जो हमारे घरों में आम तौर पर मिलती है जो इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छी है, वो है शहद। शहद एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों दोषों यानी वात पित्त कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है, तो जो तीनों दोषों को संतुलित करता है इसलिए वो 12 महीने यानी साल भर खाया जा सकता है। तो शहद आप चाहे ठंडे दूध में डाल के लें या गुनगुने पानी में डाल के लें, बस किसी बहुत गर्म पदार्थ में शहद को ना मिलाएं तो अच्छा है। तो शहद आप रोज खाएं। अब इम्यूनिटी का कंसेप्ट, जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया था कि इम्यूनिटी सिर्फ आयुर्वेद में शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं बताई गई है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों होना चाहिए। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप क्या करेंगे, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको ध्यान प्राणायाम इनका उपयोग करना चाहिए, यहाँ तक कि योगासन भी आपको मानसिक स्वास्थ्य देता है, क्योंकि योगासन एक्सरसाइज नहीं है, ये स्थिर सुखम आसनम, मतलब जो स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक किया जा सके वही आसन है, तो आसन भी आपको मानसिक स्वास्थ्य देते हैं। तो योगासन यम नियम तो है ही, तो योग के जो भी आठों अंग आप अपना सके हैं इनमें से एक दो अंग भी आप अपना लें तो वो आपको मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रखेंगे।
सकारात्मक विचारों से जुड़े। अब सकारात्मक विचारों से चाहे तो आप किताबें पढ़ के जुड़ सकते हैं, या आजकल सोशल मीडिया पर यूट्यूब आदि पर बहुत ही सकारात्मक वीडियो भी मिलेंगे आपको जिसमें अच्छी बातें होती है, तो कुछ सकारात्मक चैनल को देखें। नकारात्मक चीजों को देखने से आपको मानसिक स्वास्थ्य पर खतरा रहता है, इसलिए आप यथासंभव वही चीजें देखें जो सकारात्मक हो। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु हमने बताया था कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और वातावरण, इन तीनों को मिलाकर हमारी इम्यूनिटी बनती है। तो वातावरण जितना शुद्ध हो, तो शुद्ध दो तरह का वातावरण शुद्ध माना, एक तो हवादार हो, कम से कम पॉल्यूशन हो जिस वातावरण में, तो ये शुद्ध रहेगा। दूसरा नॉइस पॉल्यूशन भी कम हो और मानसिक पॉल्यूशन भी कम हो। तो मानसिक प्रदूषण मतलब जिस वातावरण में आसपास ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध लगातार बने रहता है और रोज आपको इन चीजों को देखना पड़ता है, तो वो हो गया कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी नकारात्मक वातावरण है। तो वातावरण आसपास का भी आपको देखना है। तो ये तीनों चीजें, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और वातावरण, इन तीनों को मिलाकर आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी सिर्फ दवाइयों या सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं बनती है। इम्यूनिटी एक ओवरऑल कंसेप्ट है आयुर्वेद में, और इसको हम ओज से तुलना कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि रसायन पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इम्यूनिटी पर हमारी पहले से एक ई बुक है। ई बुक मतलब जो किताब आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, उसका लिंक हमने इस वीडियो के विवरण में दिया है नाम मात्र के शुल्क पर। उस किताब में आपको जो हमारी सातों धातुएं हैं और इम्यूनिटी के जो दूसरे और कंसेप्ट है आयुर्वेद में, उसको थोड़ा विस्तार से समझाया गया है, और वो किताब आपके मोबाइल में देने से आप जब चाहे उसको पढ़ सकते हैं, और उसमें अलग अलग रसायन द्रव्यों का भी वर्णन हमने किया हुआ है। तो आप पढ़ने में इच्छुक हैं तो वो ई बुक अवश्य पढ़ें, लिंक हमने नीचे विवरण में दे दिया है। आपके यदि कोई अन्य प्रश्न है स्वास्थ्य संबंधित, आप निसंकोच हमें लिखें, हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है यदि हम आपके किसी भी काम आ सके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में। अपने से बहुत से लोग चाहते हैं कि अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा वो स्वयं करें, ऐसे ही लोगों के लिए हमने एक ऑनलाइन आयुर्वेदा कोर्स डिजाइन कर रखा है जिसमें हम आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें ये बताते हैं। तो उसमें आप इतना सीख जाते हैं कि अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। आपको स्वास्थ्य संबंधित किताबें पढ़ने का शौक है, विशेषकर आयुर्वेद योग संबंधित, तो किताबों का लिंक भी हमने विवरण में दे रखा है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे यानी सदस्यता ले लेंगे, आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाया करेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।